मैं पूजा बुंदेला आप सभी का BMPL प्लेटफॉर्म की ओर से और KTS सिस्टम की ओर से मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी। और आज दोस्तों आप सभी लोगों को कल पोस्टर मिल गया होगा अपने अपने ग्रुप में कि आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इन लाइफ। मतलब लर्निंग मतलब सीखना क्यों जरूरी है हमारे जिंदगी में और सीखने से क्या क्या हो सकता है, आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक को जानने से पहले समझने से पहले हमको बेसिक चीजें जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बेस जो होता है, बेस जितना स्ट्रांग रहता है उतना ही बड़ा इमारत उसमें खड़ा किया जा सकता है। तो बेसिक चीजों को हम पहले जानते हैं। उसके बाद जानेंगे कि सीखना क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहले दोस्तों जो भी नए पार्टनर्स हैं जरूर आपको इस चीज को लिख करके रखना है, DMPL में 100% सफलता के लिए तीन जरूरी चीज। सबसे पहला है 90% एक्साइटमेंट। जी हाँ दोस्तों, 90% एक्साइटमेंट की जरूरत पड़ती है हमारे बिजनेस में। 90% एक्साइटमेंट का मतलब है 100% एक्साइटेड होकर के काम करना है, तब जाके इस DMPL में हमको 90% सफलता की उम्मीद हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस में कामयाब होना है तो 100% एक्साइटेड होकर के काम करना है। किसी से भी आप मिलने जा रहे हैं, किसी से भी आप फोन में बात कर रहे हैं, चाहे आपका अपलाइन हो, चाहे आपका गेस्ट हो, चाहे आपका डाउन पार्टनर हो, 100% एक्साइटेड होकर के बात करना है, तब जाके 90% सफलता आप। तो सबसे जरूरी चीज दोस्तों कि हमको 100% एक्साइटेड हो करके काम करना है, तब 90% सफलता हमको मिल पाएगी। उसके बाद है दूसरी जरूरी चीज, ठीक है, 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है आपसी संवाद, है ना। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है आपसी संवाद। हमको इस बिजनेस में अपने अपलाइन और अपने डाउन पार्टनर से बात करना है। फाइन ट्यूनिंग की जरूरत दोस्तों मात्र 2% पड़ती है, लेकिन ये 2% जो फाइन ट्यूनिंग होता है ना, 98% काम करवा डालता है। इसलिए ये सब्जी में नमक की तरह काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत अच्छा सब्जी बनाया, लेकिन अगर उसमें नमक ना हो तो वो टेस्टलेस हो जाता है, स्वादहीन हो जाता है। उसी तरीके से हमारे बिजनेस में ये नमक की तरह काम करता है और 2% जरूरत पड़ती है। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आप अपने अपलाइन और डाउनलाइन से बात नहीं कर रहे ना, तो आपका जो रिजल्ट है ना वो नहीं आ पाएगा, ठीक है, या तो अच्छे से नहीं आएगा या तो आएगा ही नहीं। इस तरीके का आपका बिजनेस बस चलते रहेगा, टाइम गुजरते रहेगा और टाइम पास की तरह आप बिजनेस को करते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने अपलाइन के संपर्क में है, अपने डाउनलाइन के संपर्क में है ना, तो आपका काम बहुत बेहतरीन होगा और कंटिन्यू 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 आप ग्रो करते जाएंगे। उसके बाद तीसरा जरूरी चीज है 8% टेक्निक्स। मतलब 8% टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है हमारे बिजनेस में। और DMPL में जो टेक्निक्स होता है ना, वो काम को आसान बनाने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, काम को आसान बनाने का काम करता है। जैसे पहले क्या होता था कि अगर तालाब का खुदाई करना है ना, तो सैकड़ों मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज के टाइम में एक टेक्निक्स आ चुका है जिसका नाम है JCB, जो सैकड़ों मजदूरों का काम कुछ दिनों में या कुछ घंटों में ही कर देता है। मतलब कि टेक्निक्स आया और टेक्निक्स के आने से काम आसान हो चुका है। तो उसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी 8% टेक्निक्स काम करता है। और वो टेक्निक्स है दोस्तों ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का टूल्स, ठीक है, जिसमें 8% टेक्निक्स में आता है आपका 10 कारण, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, रूल ऑफ 80-20। तो ये 8% टेक्निक्स है जिसको अगर आप फॉलो कर लिए तो 8% सफलता के हकदार आप बन जाएंगे। तो आइए दोस्तों एक एक करके जानते हैं क्या ऐसा टेक्निक्स है। तो सबसे पहले आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, मुझे नहीं पता अभी तक आपने अपना कारण लिखा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज से दोस्तों नया डायरी बनाना है और पहले पेज में आपको लिखना है कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। अपना 10 कारण लिखना है कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, क्योंकि कारण नहीं होगा तो काम भी हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है दीवार को तोड़ना है तो आप क्यों तोड़ोगे, कारण नहीं है तो नहीं तोड़ोगे, ठीक है। बहुत सारे हथियार भी आ जाएंगे ना तो आप नहीं तोड़ोगे। लेकिन अगर वही बोल दिया जाए कि दीवार के पीछे 1 करोड़ रुपए रखा है, तो वहां पे क्या हुआ, कारण है। अब आपके पास कोई औजार नहीं भी रहेगा ना तो आप दीवार को तोड़ने के लिए एफर्ट लगाओगे, क्यों, क्योंकि उसके पीछे कारण है।
ठीक है, तो उसी तरीके से ये कारण हमको काम करवाता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत सारी चीजें चाहता है, जैसे कि बेहतर स्वास्थ्य चाहता है, स्वयं का घर चाहता है, स्वयं का कार, मान सम्मान, अच्छी शिक्षा, देश विदेश की यात्रा, खाली समय और पर्याप्त पैसा। ठीक है, तो हो सकता है यही सब कारणों के कारण आपने भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया हो, इन्हीं सब चीजों की चाहत आप भी रखते हो। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको अपना कारण लिखना है, 10 कारण कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, और लिख करके आपके जो भी अपलाइन है जिनसे आपका डेली बातचीत होता होगा, जो आपको पल पल सपोर्ट करते होंगे, उन अपलाइन को आपको सेंड करना है लिख करके। उसके बाद दूसरा, अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है, कारण को पूरा करना है, तो ये है हमारा दोस्तों लिस्ट बिल्डिंग। ठीक है, अगर कारण को पूरा करना है, सपनों को पूरा करना है, तो लोगों का लिस्ट बनाना आपको जरूरी है। ठीक है, लिस्ट बनाना जरूरी है, और लिस्ट जो होता है वो एक नींव की तरह काम करता है, बेस होता है, बेस। क्योंकि जितना गहरा और मजबूत किसी बिल्डिंग का नींव होता है, उतना ही बड़ा इमारत उसमें खड़ा किया जा सकता है। तो उसी तरीके से ये नींव का काम करता है। लिस्ट आपको एक ही बार बनाना है, 100, 200 या जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं, उन लोगों का आपको लिस्ट लिखना है। और लिस्ट में 4 चीजें लिखनी है, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और क्या काम करते हैं। नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और काम, ये 4 चीज लिख करके आपको 100, 200, 300, 400, 500 जितने भी लोगों का आप लिस्ट बना सकते हैं, आपको लिस्ट बनाना है। और अपने जान पहचान के लोग, जितने भी लोगों को आप जानते हैं पहचानते हैं, उन लोगों का नाम उस लिस्ट में ऐड करना है। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि जब भी आप लिस्ट बनाने बैठेंगे, तो आपको प्री जज नहीं करना है। प्री जज मतलब सामने से आपको जज नहीं करना है कि यार ये व्यक्ति करेगा या नहीं करेगा, ये तो बहुत अमीर है, इसको क्या जरूरत पैसे का, इसको बताऊंगा ना तो ये मना कर देगा, इस तरीके का सोच विचार हमको नहीं रखना है। आप जानते हैं मतलब उनका नाम आपके लिस्ट में ऐड होना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों बिना प्रिजज किए आपको लिस्ट बनाना है, और जितना गहरा और मजबूत मतलब जितना बड़ा लिस्ट होगा, उतना बड़ा बिजनेस आप यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। जिस तरीके से जितना गहरा और मजबूत नींव होता है किसी बिल्डिंग का, उतना ही बड़ा इमारत उसमें खड़ा किया जा सकता है। उसी तरीके से जितना बड़ा और मजबूत, जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा दोस्तों, उतना ही बड़ा बिजनेस आप इस GMPL में हमारे सिस्टम में कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट बना करके भी आपको अपने अपलाइन को भेजना है, क्योंकि लिस्ट बनाने का काम आपको ही करना है। आपका अपलाइन आपके साथ इनविटेशन कर देगा, फॉलोअप कर देगा, क्लोजिंग कर देगा, सब कर देगा, लेकिन प्लान भी दिखा देगा सिस्टम में, लेकिन लिस्ट बनाने का काम दोस्तों आपको ही करना पड़ेगा। जब तक आप अपना 10 कारण और लिस्ट लिख करके आप अपने अपलाइन को नहीं भेजेंगे, तब तक आपका जो अपलाइन है, आप अपना हाथ नहीं दे पाएगा आपको आगे खींचने के लिए। ठीक है, तो आप भी अपने अपलाइन का अगर सपोर्ट चाहते हैं, तो ये लिस्ट और 10 कारण का प्रोसेस आज के आज कंप्लीट करके आपको अपने अपलाइन को भेजना है। उसके बाद होता है इनविटेशन। आपने लिस्ट तो बना लिया, अब लिस्ट बनाने के बाद उनको इनविटेशन करना है, इनवाइट करना है। इनविटेशन जो होता है वो 2 तरीके का होता है। पहला होता है डायरेक्ट इनविटेशन, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। तो आइए समझते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहला है डायरेक्ट इनविटेशन। ठीक है, आप जो भी लिस्ट बनाएंगे उसमें आपको 4 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। स्टूडेंट होगा कोई, कोई हाउसवाइफ होंगी, कोई जॉब पर्सन होंगे, कोई बिजनेसमैन होंगे। तो ये 4 कैटेगरी के लोगों को हमारे सिस्टम का एक ब्रह्मास्त्र है। क्या ब्रह्मास्त्र है? कैसा रहेगा फॉर्मूला। इस कैसा रहेगा फॉर्मूला को लगा करके आपको लोगों को डायरेक्टली कॉल पे बात करना है, या जा करके मिल रहे हैं तो कैसा रहेगा फॉर्मूला लगा करके आमंत्रित करना है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है तो सबसे पहले तो नॉर्मली हाल चाल पूछ सकते हैं, क्या है, कैसा है, पढ़ाई कैसे चल रहा है, एग्जाम कब है, इस तरीके से घर परिवार में सब कैसे हैं, फ्री टाइम में क्या करते हो, ये सारा चीज आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको सारी सिचुएशन को जानने के बाद कैसा रहेगा, अगर 1 से 2 घंटा आप मोबाइल से ऑनलाइन काम करते हो और आपको 8 से 10 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, इस तरीके से ये कैसा रहेगा फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, कुछ हाउसवाइफ लोग भी आपको मिलेंगे,
जो पूछेंगे आपको क्या है कैसा है करके, है ना, तो आपको बोलना है सबसे पहले उनके बारे में जानना है, नॉर्मली हाल चाल पूछना है, उसके बाद बोलना है कैसा रहेगा मैडम या कैसा रहेगा भाभी, कैसा रहेगा आंटी। अगर आप अपना घर का काम करते करते 1 से 2 घंटा मोबाइल से ऑनलाइन काम करते हो और आपको 5 से 10 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, इस तरीके से एक हाउसवाइफ को, जॉब पर्सन को, बिजनेसमैन को आप इनविटेशन कर सकते हैं, आमंत्रित कर सकते हैं। डायरेक्ट इनविटेशन कॉल करके करना है या फिर मिल करके, अगर आसपास रहते होंगे तो मिल करके आपको करना है। उसके बाद है इनडायरेक्ट इनविटेशन। इनडायरेक्ट इनविटेशन होता है दोस्तों सोशल मीडिया से, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आप चलाते होंगे, लिंक्डइन चलाते होंगे, तो वहां पे जो भी लोग हैं, है ना, उनको अगर आपको इनवाइट करना है या दूर के लोगों को आपको इनवाइट करना है, तो वो होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट इनविटेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि स्टेटस स्टोरी का जो ऑप्शन आता है उसमें आप लगा सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम का स्टेटस, घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन काम करके रोज का कमाए 3 हजार से 6 हजार रुपए। अब इसको देख करके आपके जान पहचान के जो लोग हैं वो पूछेंगे आपसे, ठीक है, पूछेंगे क्या है, क्या काम है, कैसा काम है, इस तरीके से आपको पूछेंगे, तो उन्हीं लोगों को आपको कैसा रहेगा गोल करके इनवाइट करना है। उसके बाद जब आप स्टेटस लगाएंगे या लोगों को फोन करके डायरेक्टली इनविटेशन करेंगे, तो आपको कुछ लोगों से पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। आप पूछेंगे कैसा रहेगा, तो कुछ लोग बोलेंगे क्या काम है भाई, करना क्या है ये तो बताओ, मुझे भी बताओ इसको करते कैसे हैं। इस तरीके से ना कुछ लोग आपको क्वेश्चन करेंगे, पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे कि क्या काम है, करना क्या है, मुझे भी बताओ। मतलब कोई पॉजिटिव रिस्पांस इस तरीके से कर रहा है तो वो जानना चाहता है कि आपका क्या प्लान है, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोफाइल है, वो जानना चाहता है ना, आपको प्लान मांग रहे हैं वो। तो इन लोगों को आपको पॉजिटिव रिस्पांस वालों को जवाब देना है कि इसी का कंप्लीट जानकारी, इसी का पूरा जो जानकारी है, आज शाम को 6 बजे जूम ऐप के माध्यम से मिलने वाला है, तो क्या आप शाम को 6 बजे फ्री हैं? अगर फ्री हैं बोलते हैं तो उनको बोलना है कि आप जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आज हमारा सेशन होने वाला है और उसमें ना बहुत मुश्किल से लिंक मिल पाता है, मैं आपका नंबर रजिस्ट्रेशन करा देती हूँ, अगर लिंक मिल पाता है तो 5 साढ़े 5 बजे आपको कॉल करके मैं इन्फॉर्म करती हूँ। इस तरीके से बोल करके आपको लिंक का हाई क्रिएट करना है और उनको प्लान प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित करना है। उसके बाद होता है नेगेटिव रिस्पांस। आप जब लोगों से पूछेंगे कैसा रहेगा या स्टेटस लगाएंगे, तो कुछ लोग बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये जुड़ने वाला है क्या, चैन बनाने वाला है क्या, प्रोडक्ट सेल करने वाला है क्या। तो कुछ लोग, जो लोग नहीं जानते रहते या नए होते हैं ना बिजनेस में, वो लोग बोल देते हैं हाँ वही है, ये ऐसा नहीं है, जुड़ने वाला है क्या, हाँ जुड़ने वाला है, दो लोग को जोड़ते हैं 500 मिल जाता है, चैन बनाने वाला है क्या, हाँ वही है, प्रोडक्ट सेल कौन कौन सा प्रोडक्ट है, तो बताने लग जाते हैं पूरा A to Z। आपको ध्यान में रखना है कि हमको इनविटेशन करते वक्त सिर्फ ट्रेलर दिखाना है लोगों को, ठीक है, पिक्चर जब भी रिलीज होता है तो उतना ही, उससे अच्छा, पिक्चर से अच्छा ना उसका ट्रेलर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ट्रेलर को देख करके ही लोग अट्रैक्ट होते हैं, तब जा करके मूवी को थिएटर में देखने जाते हैं। तो हमको सिर्फ यहाँ पे ट्रेलर दिखाना है पिक्चर का, हमको पूरा डिटेल नहीं बता देना है, ये प्रोडक्ट है, इतने लोग को ज्वाइन कराते हैं, पैसा मिलता है, बिल्कुल भी नहीं बताना है। अगर कोई आपसे नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रहा है तो आपको प्रश्न के बदले प्रश्न करना है, मतलब क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है। अगर आपको कोई पूछ दिया नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो आपको बोलना है क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हैं, तो सामने वाला अगर जानता रहेगा ना तो बताएगा कि ऐसा ऐसा रहता है, वही जोड़ते हैं, चैन बनाते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, ऐसा ऐसा प्रोडक्ट होता है, और क्या होता है पूछना है उनसे। तो जितना भी जानता रहेगा ना सामने वाला व्यक्ति बताएगा, तब तक पूछना है जब तक वो सामने वाला व्यक्ति अंदर से खाली ना हो जाए। उसके बाद वो खुद ही पूछेगा कि भाई ऐसा ऐसा होता है, तुम्हारा क्या है तुम बताओ, तब आपको बोलना है कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, या दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार पहले आप जानकारी ले लीजिए, अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं और नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके से आपको क्लोज करके मीटिंग तक ले करके आना है। उसके बाद बताना है कि सभी इंफॉर्मेशन जूम ऐप पर मिलने वाला है और जूम ऐप का जो सेशन है, लिंक जूम ऐप डाउनलोड करा के रखना है, 5 साढ़े 5 बजे कॉल करना है कि बहुत मुश्किल से मुझे एक लिंक आपके लिए मिल पाया है,
आपका नंबर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लिंक मुझे मिल गया है तो मैं आपको भेज रही हूँ, कंफर्म आप अटेंड करिएगा। इस तरीके से बोल के आपको लिंक भेजना है और सेशन उनको ज्वाइन कराना है। और 6 बजे जब भी सेशन हो तो आपको वहां पे देखना है कि आपका गेस्ट आया है कि नहीं, आया है तो उसको आवाज सुनाई दे रहा है कि नहीं, वीडियो ऑन है कि नहीं, इस तरीके से आपको चेक करना है। अगर नहीं होगा तो करने के लिए बोलना है और लास्ट तक अटेंड करने के लिए आपको बोलना है। उसके बाद होता है फॉलोअप। फॉलोअप, टाइम टू फॉलोअप, डोंट फॉरगेट टू फॉलोअप, मतलब कि समय से फॉलोअप करना जरूरी है, और फॉरगेट मतलब भूलना नहीं है, फॉलोअप करना। ठीक है, फॉलोअप का मतलब होता है जो व्यक्ति या जो गेस्ट आपका प्लान देखा है उसके मन में काफी सारे डाउट्स रहते हैं, उस डाउट्स को क्लियर करना ही फॉलोअप कहलाता है ना। तो फॉलोअप करना भूलना नहीं है, और टाइम से फॉलोअप मतलब 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति का फॉलोअप होना चाहिए। ठीक है, तो आपको फॉलोअप कैसे करना है, सबसे पहले आपको मीटिंग के जस्ट बाद कॉल करना है कि मैंने आपको सही टाइम पे लिंक दिया था कि नहीं, इसी की जानकारी के लिए अभी कंपनी से कॉल आएगा, जैसे ही कॉल आता है मैं आपको कॉल पे लेता हूँ या लेती हूँ, इस तरीके से बोलना है। अपने सीनियर को कॉल पे लेना है और बताना है किस तरह का फॉलोअप करवाना है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल करके आपको अपने सीनियर का हाई क्रिएट करना है कि ये हमारे सीनियर है, यहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे कि रामनारायण सर है हमारे सीनियर है, अंडा गांव से बिलोंग करते हैं दुर्ग से, और आप ही के जैसे हाउसवाइफ को या आप ही के जैसे स्टूडेंट को, आप ही के जैसे जॉब पर्सन को एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करने में 8 से 10 हजार रुपए पैसा कमाने में मदद करते जा रहे हैं। तो अभी आपने जो सेशन देखा उससे रिलेटेड कोई भी डाउट या सवाल होगा तो आप सर से क्लियर कर सकते हैं। इस तरीके से बोल के आपको अपने गेस्ट और सीनियर का बात करवाना है। उसके बाद होता है दोस्तों सेल्स क्लोजिंग। आपका जो सीनियर है 95% काम कर लेगा, लेकिन 5% जो काम होता है सेल्स क्लोजिंग का, सेल्स क्लोजिंग मतलब आपको विश्वास दिलाना है कि मैं आपके साथ हूँ, आप शुरू कीजिए, मेरा सपोर्ट 100% आपको रहेगा। इस तरीके से आपको सेल्स क्लोजिंग दम पटक के बात करना है, क्योंकि सीनियर का 1 लाख का इनकम ना आपके 1,000 के इनकम के बराबर होता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात मैंने बोला कि सीनियर का 1 लाख का इनकम आपके 1,000 के इनकम के बराबर होता है। तो आपको अपना दिखाना है, जो इनकम आपका बना है आपको दिखाना है कि यार देखो 1,000 रुपये मेरा पैसा आ सकता है तो आपका भी आ सकता है, मिल के स्टार्ट करते हैं और मिल करके पैसा कमाते हैं, मेरा 100% सपोर्ट रहेगा और मेरे सीनियर का भी 100% सपोर्ट रहेगा। इस तरीके से दम भर के आपको बात करना है, तब जाके वो व्यक्ति स्टार्ट करेगा, क्योंकि आपका गेस्ट आप पे भरोसा करता है ना कि आपके सीनियर पे। उसके बाद ये नियम को समझना जरूरी है। ये नियम क्या बोलता है, जैसे हर चीज का एक नियम होता है, ट्रैफिक सिग्नल का एक नियम होता है कि आप ट्रैफिक सिग्नल का अगर रूल तोड़ोगे तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, सही है। तो किसी भी चीज का हमको नियम पता रहता है ना तो तकलीफ कम होता है। ठीक है, जैसे कि सिग्नल का रूल तोड़े हैं और पकड़ा गए तो हमको फाइन देना पड़ेगा, वहां पे आप गाली नहीं दे सकते कि यार साला पैसा लेके चले गया। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इस नियम को जानना जरूरी है। और ये नियम क्या बोलता है, 100 लोगों को आप प्लान बताओगे तब जाके 20 लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। तो 100 लोगों को प्लान दिखाए बिना आपको रुकना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्वाइन तो करते हैं, 10-15 लोगों का लिस्ट बनाते हैं और हार मान के लोग मना करते हैं तो हार मान के बैठ जाते हैं। 10-15 का लिस्ट बनाओगे, प्लान दिखाओगे तो कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। आपको एटलीस्ट, ठीक है, मिनिमम 100 लोगों का लिस्ट बनाना है, 100 लोगों को प्लान दिखाने बिना रुकना नहीं है, तब जाके 20 लोग की उम्मीद हम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने टॉपिक पढ़ा होगा इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग इन लाइफ, मतलब जिंदगी में सीखना क्यों जरूरी है, ये इन चीज पर आज हम बात करने वाले हैं कि सीखना क्यों जरूरी होता है और सिस्टम को फॉलो करना क्यों जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा चीज लिखा है, अगर वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। हो सकता है कि इससे पहले आप सीख नहीं रहे होंगे या ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड नहीं करते होंगे, आपका सीनियर आपको कॉल करता है तब जाके आप ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सीनियर को पुशअप करना पड़ता है कि भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, है ना, एंकरिंग करना है उसके लिए भी बोलना पड़ता है, कुछ लोग बहाना देते रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करते रहेंगे ना तो जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी जो होती है
वो आपका सफलता का जो मार्ग होता है, सफलता जो होता है वो डिसाइड करती है आपके एक्टिविटी पर, ठीक है। तो अगर अभी तक वही करते आ रहे हैं ना जो आज तक करते आए हैं, तो दोस्तों परिणाम आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। कमाना चाहते हैं 1 लाख रुपए, लेकिन ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे, सीख नहीं रहे हैं, एलडीपी का जो टिकट है वो ले नहीं रहे हैं। बोलते हैं ना कि अगर अगर आपको क्या बोलते हैं, हाँ, अगर आपको लॉटरी का, लॉटरी में अगर जीतना है तो सबसे पहले तो लॉटरी का टिकट लेना पड़ता है। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे अगर आप वही करते रहेंगे ना जो अभी तक आप करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो अभी तक मिलते आया है, ठीक है। सक्सेस होना है, 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तो ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा, एक-एक चीजों को सीखना पड़ेगा। जो व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है वही व्यक्ति आपको बता पाएगा, उस चीज को आप भी फॉलो करते हैं तो आपको भी वही सफलता मिलेगी जो उस व्यक्ति को मिल पाई है, ठीक है। तो हो सकता है अभी तक जो भी आप गलती कर रहे होंगे, ट्रेनिंग मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे होंगे, आपका सीनियर बार बार आपको कॉल करके बोल रहा होगा कि यार मीटिंग अटेंड करो, मीटिंग अटेंड करो, मीटिंग अटेंड करो, है ना। तो आपका ये बिजनेस आपको अपना मानना है, ठीक है, अपना मानना है, आपके सीनियर को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कुछ लोग तो डाउन पार्टनर लोग सीनियर को कॉल करते हैं, मैडम ट्रेनिंग अटेंड करिए, है ना, सर ट्रेनिंग अटेंड करिए। तो ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई भी प्रोफेशन के लोग हैं, चाहे वो पायलट हो, फ्लाइट अटेंडेंट हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, पुलिस वाला हो, सोल्जर हो, या कोई टीचर हो, ठीक है, जो भी प्रोफेशन के लोग हैं, उस प्रोफेशन के लोग ना पहले उस प्रोफेशन में जाने से पहले कुछ टूल्स था, कुछ काम करने के उनके तरीके थे और कुछ स्किल्स था, उन सारी चीजों को उन्होंने सीखा है। टूल्स उनके पास रहता है, डॉक्टर के पास पास हर वो टूल्स रहता है जो इलाज करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है, हर वो काम करने का तरीका उसको पता रहता है जो एक मरीज को ठीक करने के लिए चाहिए होता है, हर एक स्किल्स चाहिए, हर एक स्किल्स एक डॉक्टर को पता रहता है, एक पुलिस को पता रहता है कि क्या कैसे किसको टैकल किया जाए, कब क्या बोला जाए, कब कौन सा स्किल जो है, वो सारी चीजें ना एक प्रोफेशन के लोगों को पता रहता है। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या होता है कि लोग प्लान दिखाने जाते हैं तो उनके पास टूल्स ही नहीं रहता। कुछ लोग तो सीनियर के भरोसे रहते हैं कि सीनियर लोग प्लान फोल्डर दिखा देंगे, है ना, टेस्टिमनी अपना दिखा देंगे, इनकम दिखा देंगे। कुछ लोगों के पास ना पेन रहता है ना कुछ रहता है, ऑनलाइन अगर दिखा रहे हैं तो उनको उनके पास ना पीडीएफ रहता है, ना प्लान का पीडीएफ रहता है, ना प्रोडक्ट का पीडीएफ रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप कर रहे होंगे ना, तो आज के आज बंद कर दीजिए, क्योंकि हर एक प्रोफेशनल व्यक्ति के पास खुद का अपना एक टूल्स रहता है, ठीक है। एक लॉयर है तो उसके पास टूल्स है, एक इंजीनियर है तो उसके पास एक टूल्स है, आर्किटेक्ट के पास टूल्स है, पुलिस के पास टूल्स है, सोल्जर टीचर के पास अपना खुद का एक टूल्स होता है। तो आप भी इस बिजनेस में है ना, तो आपको भी इस बिजनेस में अगर प्रोफेशनल बनना है तो अपने साथ दोस्तों टूल्स हमेशा रखना है, काम करने का जो तरीका है उसको आपको सीखना है, और स्किल को हर दिन हर दिन हर दिन आपको डेवलप करना है। उस स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं वो आगे बताएंगे, ठीक है। देख सकते हैं आपको दो यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, जिस तरीके से एक व्यक्ति लकड़ी को काटता है ना, अगर लकड़ी सॉरी कुल्हाड़ी से अगर लकड़ी को काट रहे हैं लेकिन कुल्हाड़ी को अगर धारी नहीं करेगा तो क्या कंटिन्यू वो लकड़ी काट पाएगा क्या उतने स्पीड से, उतनी ज्यादा संख्या में जितना वो जितना कटना चाहिए था, नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि लकड़ी को काट रहे हैं तो कुल्हाड़ी को बार बार धार करना पड़ता है। क्यों धार करना पड़ता है? क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, जितना ज्यादा धार रहेगा, जितना ज्यादा वो एक्स में धार रहेगा, है ना, उतने ही अच्छे से लकड़ी कटा पाएगी और ज्यादा की संख्या में कटा पाएगी। उसी तरीके से दोस्तों जितना ज्यादा हम इस बिजनेस में सीखेंगे, है ना, जितना ज्यादा हम इस बिजनेस में सीखेंगे उतना ज्यादा उतने ज्यादा अच्छे तरीके से हम मार्केट में लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करा पाएंगे, इस बिजनेस का नॉलेज दे पाएंगे। लेकिन हम ही अगर सीख नहीं रहे हैं, सिर्फ बस लकड़ी काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, तो कब तक वो कटेगा, कब तक कटेगा, नहीं कर सकता वो कंटिन्यू, ठीक है। अगर कंटिन्यू आपको लकड़ी काटना है तो अपने कुल्हाड़ी को धार करना पड़ेगा। उसी तरीके से इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है ना, अभी तक आपको जो पेमेंट मिला है
आप जितना सीखे हैं उसके अकॉर्डिंग मिला है। अगर आपको और ज्यादा अपने पेमेंट में इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है, और ज्यादा पैसा आप कमाना चाहते हैं, तो ज्यादा नॉलेज लेना पड़ेगा, ज्यादा सीखना पड़ेगा, ठीक है। और एक मोबाइल जो होता है दोस्तों, मोबाइल में भी ना अपडेट करने का ऑप्शन आता है, हर एक ऐप को ना अपडेट करना पड़ता है। क्यों अपडेट करना पड़ता है, मोबाइल को क्यों अपडेट करना पड़ता है, ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, है ना, परफॉर्मेंस अच्छी हो और अच्छी तरीके से चले, और जो नया नया अपडेशन आ रहा है उस अपडेशन को हम जान पाए, समझ पाए, उसका इस्तेमाल करके हम और बेहतरीन तरीके से टेक्निक्स को, जो टूल्स होते हैं, उन सारी चीजों को हम जान पाए, सीख पाए और आगे बढ़ पाए, ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों, लर्निंग हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप सीख नहीं रहे ना, तो कोई मतलब नहीं है। आपको अभी जो इनकम आ रहा है ना, वो इनकम भी आपको एक टाइम के बाद नहीं आएगा, अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो। क्योंकि बोला जाता है ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखना जिस दिन आप बंद कर दोगे, उस दिन आपका जीतना भी बंद हो जाएगा। तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, ज्ञान को सिर पर मत रखो, सिर में रखो। मतलब कि ज्ञान को आपको, आपका जो भी नॉलेज है, जो भी लर्निंग है, सिर के ऊपर नहीं रखना है कि ऊपरी, बस ऊपरी हिस्से से बस नॉलेज है आपको, है ना, अपने सिर पे बैठा के नहीं रखना है ज्ञान को, सिर में रखना है। मतलब कि अपने दिमाग में रखना है, तब जाके उस ज्ञान का दोस्तों कोई मतलब हो पाएगा। तो ज्ञान को सिर पर मत रखो, सिर में रखो, अपने दिमाग में रखो, तब जाके उस दिमाग में जो भी आपका लर्निंग है, जो भी आप सीखे हैं, उस चीज को सही तरीके से आप इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। और कोई भी चीज को ध्यान से सुनिएगा, इसको लिख करके रखिएगा, कोई भी चीज आसानी से सीखने का जबरदस्त फॉर्मूला है LTD। जी हाँ दोस्तों, LTD। L का मतलब होता है लर्न, मतलब खुद सीखना। T का मतलब होता है टीच, लोगों को सिखाना। D का मतलब होता है डू, मतलब खुद करना, ठीक है। इस फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करते हैं, तो किसी भी चीज को आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको इनविटेशन करना सीखना है, तो आप पहले सीखने के लिए जितना भी वीडियो बना हुआ है, जितना भी बुक छपा हुआ है, वहां से आपको सीखना है, ठीक है। खुद के माइंड में पहले उस चीज को लाना है, तब जाके आपको लोगों को सिखाना है, ठीक है। जो चीज आप सीखे हैं, तुरंत अपने किसी भी पार्टनर को कॉल करो, उनको बताओ कि आज मैंने ये सीखा, तो ये चीजें बिजनेस में कामयाब होने के लिए जरूरी होती है। आप अपने पार्टनर्स को बता दो, वहां पे खुद सीखे, दूसरों को भी सिखाएं और करना शुरू कर दो, तब जाके दोस्तों आप आसानी से किसी भी चीज को सीख सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमेशा हमको याद रखना है, सीखना है, सिखाना है और करना है, यही इस बिजनेस का सिद्धांत है। और अगर इस चीज को करते हो, तो आप भी फॉलो, आप भी सक्सेस हो सकते हैं इस बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज है अभ्यास, अभ्यास और थोड़ा और अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस तरीके से पेड़ काटने के लिए उसकी धार को तेज करना पड़ता है कुल्हाड़ी के, उसी तरीके से दोस्तों सीखना जरूरी होता है। और किसी चीज को अगर आप सीखना है, तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये एक समाधान है। जितनी बार और जितनी ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तब जाके आप सीख पाएंगे। इनविटेशन नहीं आता, प्रैक्टिस करिए, वीडियो बना हुआ है, बुक छपा हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से उस चीज को सीखिए। जो चीज नहीं आता, उस चीज को इतने बार करिए, इतने बार करिए, जब तक वो आपकी आदत में शामिल ना हो जाए, तब जाके दोस्तों आप उस चीज को सही तरीके से सीख पाएंगे। और सीख करके आपको करना है और लोगों को सिखाना भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा चीज लिखा हुआ है, यदि आप सीखना नहीं चाहते, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, पर अगर आप सीखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, और माइंड में बैठा के रख लिए, तो हम तो भाई बहुत बड़े तुर्राम खान हैं, हमको सीखने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर सीखने के लिए दोस्तों तैयार नहीं है ना, हो सकता है आप अपने फील्ड में बहुत बड़े मास्टर होंगे, तुर्रम खान होंगे, लेकिन इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। सीखना नहीं चाहते, तो कोई भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता, पर अगर आप सीखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तैयार हैं, तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता।
और हर दिन सीखना है, हर पल सीखना है, जिससे भी सीखने को मिले उससे हमको सीखना है। बुक से हम सीख सकते हैं, लोगों से हम सीख सकते हैं, अपलाइन से सीख सकते हैं, डाउन पार्टनर से सीख सकते हैं, कंपनी के एमडी सर से सीख सकते हैं। और इसी चीज को सिखाने के लिए दोस्तों हमारे बीच बहुत शानदार पर्सनैलिटी का हमको समय मिला हुआ है सीखने के लिए, ठीक है, डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर। जी हाँ, डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर का हमको टाइम मिला हुआ है। अगर अभी भी आपने टिकट बुक नहीं करवाया होगा तो सीखने के लिए तैयार हो जाइए आज से ही, क्योंकि कुल्हाड़ी को धार करना जरूरी होता है। उसी तरीके से अपने मन को भी, अपने दिमाग को भी अगर आपको शार्प करना है, धार करना है, तो आपको 14 जनवरी के फंक्शन को, एलडीपी को, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। उस सेशन को जिस किसी ने भी दोस्तों मिस किया ना, फिर वो वही का वही रह जाएगा। और जिसने उस सेशन को अटेंड कर लिया, उसकी उसके दिमाग की जो धार है ना, वो तेज होने वाली है। और वो जो तेज होगा ना, वो एक साल में, 2 साल का काम एक साल में करवा देगा। ऐसा जानदार जबरदस्त चीज हमको मिलने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा आज का जो हमारा ट्रेनिंग था, ठीक है। आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मैं चैट बॉक्स ऑन करना चाहूंगी दोस्तों, क्या क्या सीखे हैं आपको यहाँ पे बताना है। और हो सकता है अभी आपने अपना लर्निंग बंद कर दिया होगा, ठीक है, लेकिन आज से दोस्तों आपको स्टार्ट करना है अपना लर्निंग, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, ठीक है। और एलटीटी फॉर्मूले का आपको यूज करना है दोस्तों, तब जाके बड़ी कामयाबी मिल पाएगी। कोई भी व्यक्ति लगातार सक्सेस हो रहे हैं ना इस बिजनेस में, तो वो लगातार सीख भी रहे हैं, तब जाके वो सक्सेस हो पा रहे हैं। अगर आपको भी लगातार सक्सेस चाहिए, लगातार आपके आपको अपने इनकम में, पैसे में बढ़ोतरी चाहिए, तो सीखना तो पड़ेगा, ठीक है। और सीखने के लिए अपने आपके अपलाइन को आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भैया ट्रेनिंग अटेंड करो, एंकरिंग करो, मीटिंग लो। आपको खुद से करना है, सीख लिए ना, आपको अपने डाउन पार्टनर को सिखाना है और करवाना है, तब जाके दोस्तों सब चीज पॉसिबल हो पाएगा। ओके, क्या बात है, लर्निंग बहुत जरूरी है, एलटीडी बहुत जरूरी है बोल रहे हैं, सुपर डुपर, ओके ओके ठीक है। तो अभी तक हो सकता है दोस्तों काफी सारे लोगों ने अपना सीट अभी भी बुक नहीं करवाया है, ठीक है। 1500 रुपये, 1500 टिकट का पास का जो प्राइस है वो हो चुका है। अगर 1500 बचा लिए ना, तो जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन 1500 अगर लगा लिए ना, तो इतना तो गारंटी है कि 2 से 3 साल का काम आप एक ही साल में कंप्लीट कर देंगे। इतना बेहतरीन पर्सनैलिटी का हमको लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में ट्रेनिंग मिलने वाला है, ठीक है। हम तो उनके सामने 0.00% भी नहीं है, क्योंकि ऐसे शख्सियत से हमको मिलने का समय मिल रहा है दोस्तों, जिनकी 7 से ज्यादा बुक छप चुकी है, 3 वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है, जो ऑलरेडी लोगों को सिखाते हैं, ₹1,00,000 चार्ज करते हैं सिखाने का। ऐसी पर्सनैलिटी से हमको सीखने का ट्रेनिंग मिल रहा है, तो उस ट्रेनिंग को दोस्तों अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले लर्निंग होगी, तब जाके अर्निंग होगी, ठीक है। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा पैसा आप कमा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, जो कमेंट अभी आप कर रहे हैं अपने अपने ग्रुप में दिखाना है कि आज इतना बेहतरीन ट्रेनिंग हमको मिला है, हमने ये सीखा है। जिस किसी ने भी आज का ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया होगा ना, उसके मन में एक रिग्रेट होना चाहिए, पछतावा होना चाहिए कि यार आज का ट्रेनिंग क्यों अटेंड नहीं कर पाए करके, ठीक है। तो अपने अपने ग्रुप में जा करके चैट करना है और बताना है कि क्या क्या चीजें आपने आज के ट्रेनिंग से सीखा है। बाकी दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, जिन्होंने मेरी बातों को लास्ट तक देखा, सुना, जाना और समझा। तो आज का सेशन मैं यही प्लान करना चाहूंगी। 20 कॉल।